स्टूडेंट्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टेंथ क्लास के लिए। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं तो इमेज इन्फिनिटी पे बनती है। तो हमने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको रट्टा लगाते हैं, इस रे डायग्राम को क्रैम करते हैं, ठीक है। सॉरी, थोड़ा रिफ्लेक्शन आ रहा है लेकिन मजबूरी है। तो इस रे डायग्राम को क्रैम करते हैं, आपने क्रैम नहीं करना, आपने रट्टा नहीं लगाना, आपने ये कॉन्सेप्ट देखना है। क्या? 1 upon v minus 1 upon u equal to 1 upon f। अब u कौन है? u है minus f। आप पूछेंगे ये negative sign क्यों लगाया? क्योंकि जब हम object को left of center of curvature रखते हैं, opposite to the direction of incident ray रखते हैं, तो sign conventions में ये distance क्या होता है? negative। तो u क्या हो गया? minus f। minus minus क्या हुआ? plus। तो बोलो 1 upon v plus 1 upon f equal to 1 upon f। तो 1 upon v equal to 1 upon f minus 1 upon f। तो 1 upon f minus 1 upon f कट गया 0। तो 1 upon v equal to 0। तो 1 upon 0 क्या हो गया? infinity। अगर हम v को ऊपर लेके जाएंगे तो 1 upon 0 क्या हो जाएगा? infinity। तो इमेज कहाँ बनेगी स्टूडेंट्स? infinity पे। अब इसका ray डायग्राम देखो, ये हमारे पास लेंस है और ये रे जा रही है, इट इज पासिंग थ्रू द फोकस एंड द अदर रे इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड हेंस द इमेज इज फॉर्म्ड एट, बोलो, इन्फिनिटी। सो स्टूडेंट्स, ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है टेंथ क्लास बच्चों के लिए टू लर्न।